ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। लिस्डी बुजुर्ग में फायरिंग में महिला सहित दो को लगी गोली। गजरौला जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र के गांव लिस्डी बुजुर्ग में दो पक्षों में फायरिंग होने पर एक महिला सहित दो लोगों को गोली लग गई, जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव लिस्डी बुजुर्ग का है, जहां गांव निवासी बुद्धन खां व नसीम पठान पक्ष के बीच डीलरशिप के चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिस कारण गुरुवार को भी इन दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी। शुक्रवार की शाम फिर से दोनों पक्षों के बीच फायरिंग होने का सिलसिला शुरू हो गया। देर शाम करीब 8 बजे नसीब पठान पक्ष की तरफ से भी फायरिंग की गई। घटना के दौरान दो लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। घटना से पूरे गांव में खलबली मची हुई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट। गोली आपको मारी? हाँ, सीधी मारी जी। क्यों, किस बात को लेकर? वो फल बेच रहा था, मैं अचानक गोली चल गई, उन्होंने सीधी मारी। वो पहले से रंजिश रखते हैं वो लोग हमसे। आपसे? हाँ, दो जो हमारे मुखालिफ हैं चांदर हाकम, तुम उनसे पूछ लो जाकर, उनके सामने हुए। वो फल ले रहे थे मुझसे जब भी। कौन लोग थे वो? चांदर हाकम है दो भैया। अच्छा। वो मुखालिफ है हमारे, उनके सामने डाले पे बैठा था मैं तो। ठीक है, सीधी छत पर मारी है गोली। हाँ, जानते हो? हाँ जानता हूँ जी। एक नसीम था, एक पप्पू और एक कबीर, एक रईस और एक कफील था। फिर पांच लोग थे। हाँ, ले जाएंगे। जिनके चोट लगी कौन लगती हैं आपके? मामा के लड़के। मामा के लड़के। चोट कैसे लगी इनको? इनकी दो गोली चल रही थी, ये फ्रूट बेचने गए थे, इन्हें गोली लग गई। गोली कहाँ चल रही थी? लिसड़ाई में। किसने गोली चल रही जी? तीन गोली ये गोली पैर में लगी। तो आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे? आप ये वहाँ से आ गए स्याली, स्याली से हम लिसड़ा जा रहे थे। हमने डॉक्टर की दुकान पर हाथ दिया, हमारे गांव के लड़के ना, पर तुम्हारे मामा का लड़का के चोट लगी। हमने देखा तो इनकी खून बह रहा था, ये बेहोश हो गया। हम उठा के दोनों भाई इसको डॉक्टर के यहाँ लिया मलिक हॉस्पिटल में। मलिक ने कहा ये तो थाने जाओ, पहले इस पर रिपोर्ट कराओ और इसका ट्रीटमेंट सरकारी तरीके से होगा, ऐसे रिपोर्ट के बगैर मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जी। फट जाने। आपके चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? चोट हाथ में, चोट कैसे लगी है? गोली मारी है। किसने? नसीम ने और कफील ने। और बहुत लोग तो किस किस को बिना चोट पता चल पाते।